एक बार दोबारा से करण कुंद्रा ने जीता है जनता का दिल। आखिर इस बार ऐसा क्या किया है करण कुंद्रा ने? और यही नहीं बल्कि भाई करण कुंद्रा जो है जब भी कोई स्टेटमेंट देते हैं ना तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देते हैं और एकदम एक्यूरेटली जवाब देने की कोशिश करते हैं, और ऐसा ही कुछ इस बार उन्होंने किया है। क्यों और किसके कमेंट पर, आपको बता दूं कि एक बहुत ही पॉपुलर सेलिब्रिटी है, बहुत ही पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस है, जिन्होंने मीडिया इंडस्ट्री को लेकर, टेलीविजन इंडस्ट्री को लेकर, रियलिटी शोज को लेकर एक बयान दिया था, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि यार करण कुंद्रा को ये बयान जो है पसंद नहीं आया और करण ने इस पर रिप्लाई करने की ठानी है। तो क्या कहा है करण कुंद्रा ने इन सारी बातों पर और इन सारे जवाब देते हुए, तो आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदू। अगर करण कुंद्रा भाई, एक चीज पर उनको बहुत बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है कि जिस तरीके से मीडिया को, मीडिया के सवालों का जवाब देते हैं और जिस तरीके से मीडिया को एड्रेस करते हैं, इस चीज़ के लिए उनकी हमेशा तारीफ हुई है कि भाई करण कुंद्रा जो है ही इज फुल ऑफ एटिक्वेट्स। उनको पता है कि किस तरीके से मुझे खुद को प्रेजेंट करना है, फिर चाहे वो मीडिया हो, ऑन कैमरा हो या ऑफ कैमरा हो, और इसी चीज़ के लिए उनकी तारीफ भी होती है। अभी हाल ही में आप सब जानते हैं कि भाई कभी कभार ना ये चीज़ें बहुत बार होती हैं, OTT देन टेलीविजन देन फिल्म्स, ये सारी चीज़ें बहुत बार होती हुई दिखी हैं, और बहुत बार इस पर हमको बड़ी बहस भी देखने को मिली थी, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी दिक्कतें बीच में हुई हैं, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं करण कुंद्रा ने जवाब देने की ठानी है। अभी हाल ही में राधिका मदन, जिनको एक भाई एक पॉपुलर टीवी सेलिब्रिटी हैं, जिनको आज के समय शायद ही ऐसा कोई होगा जो ना जानता हो, राधिका मदन जो है उन्होंने एक टीवी इंडस्ट्री पर स्टेटमेंट दिया था। राधिका कहती हैं, समटाइम्स यू पुट अप वीडियोज विद द फिल्म स्टार्स एंड द रीच डज नॉट गेट देयर, एंड समटाइम्स यू पुट अप अ वीडियो विद द टेलीविजन एक्टर हु हैज डन अ बिग रियलिटी शो एंड यू विल गेट द नंबर्स। द बिग बॉस 15 कंटेस्टेंट, आपको बता दूं बिग बॉस 15 के जो कंटेस्टेंट है करण कुंद्रा, उनको शायद स्टेटमेंट लैंड नहीं हुआ, और करण ने रिप्लाई में जो चीज़ कही है भाई गजब है। उनका जो रिप्लाई था वो बहुत बहुत एक्यूरेट लगा, लोगों को बहुत पसंद आया। करण कहते हैं, टिल द टाइम वी डोंट डू अवर ओन डिस्टिंक्शंस वी विल बी ऑलवेज रनिंग अराउंड कि टीवी बेटर है, OTT बेटर है या फिल्म बेटर है। बीइंग एन एक्टर व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट, सबसे ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है एक्टर रहना, और मेरे लिए मैं बहुत प्राउड की बात है, मैं गर्व से बोलता हूँ कि मैं टीवी से आ रहा हूँ, मैं टेलीविजन का अभिनेता हूँ। और उसके बाद आगे कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में अगर 200,000 लोग हैं ना तो उसमें से 170,000 लोगों के घर पर टेलीविजन चल रहा है, एंड आई एम लाइक यू सेड कि सयांतनी ने बोला, अर्जुन ने बोला, मैं बोलता हूँ वी आर वेरी प्राउड टेलीविजन पीपल। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी किस्सा शेयर किया कि कैसे अनिल कपूर ने उनकी तारीफ की थी कि उनको जो है लाइट्स का पूरा प्रॉपर आइडिया था। तो इस पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर, और इसी तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि फीफा फूज के साथ। धन्यवाद।